तो दोस्तों एक बार फिर से हम लेकर के आ चुके हैं ओला S1 X, जो कि आपका की वाला वेरिएंट है और ये आपका जो है 4 किलोवाट पर है। तो आज हम फिर से करने वाले हैं इस गाड़ी का ऑनर रिव्यू और जानेंगे जो हमारे भाई हैं उनको अब तक का क्या फीडबैक रहा है इस गाड़ी को लेने के बाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को बना देर पर करते हैं शुरू और बुलाते हैं इस गाड़ी के ऑनर। तो हेलो सर। जी सर। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, क्या करते हैं, अपना नाम बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं गाड़ी पर। मेरा नाम है हाशिम वारसी। हाशिम वारसी। और मेरा काम है डायरेक्ट सेलिंग का, आई एम नेटवर्क मार्केटिंग। तो सर बात करें इस गाड़ी को लेने की, तो आपने इस गाड़ी को कब लिया है, कितने में लिया है? सर ये गाड़ी का पहले तो ये सोचा था कि ओला लेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों सोचा था? सबसे पहले सोचा था ओला लेंगे नहीं, बहुत दुबली पतली है और बहुत अच्छी भी नहीं लगती है। इत्तेफाक से क्या हुआ कि जब हम मार्केट में गए, मैंने गाड़ी इसको ऐसे नहीं लिए, कई गाड़ी का रिव्यू लिया। सबसे पहले बजाज में गए, होंडा में और हीरो में गए, उसके बाद TVS में गए, सारी रेंज देखी, कोई भी 100 तक दे रही थी, जो भी रेंज दे रही थी वो 100 तक दे रही थी, उससे ज़्यादा नहीं। जब 100 दे रही तो वो 180 चलेगी। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ, हमारे साथ में जियाउर रहमान भाई भी थे, तो एक दिन बोला कि चलो देखते हैं, चल के ओला देख ही लेते, देखने में क्या जा रहा है। जब उसकी रेंज देखी और सारी चीजें देखी, बैटरी को पढ़ा, देखा, देखने के बाद समझा दो टॉप मॉडल लेंगे। टॉप मॉडल में क्या था, वो 1.5 लाख की थी और टॉप मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत था। फिर सोचा ये कितने वाट की है, बोला 4 किलोवाट की है। ये 4 किलोवाट कितने की, 1.11 1.12 की पड़ रही थी और देखा कि रेंज 190। जब सोचा 190 है तो इको में 170 समथिंग तो चली जाएगी, 150 तो चली जाएगी रेंज। हम लोगों के लखनऊ में काम ज्यादा है, बहुत ज्यादा जाना आना होता है। मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग का खेल क्या होता है कि बहुत लंबा लंबा जाना होता है। अभी इतने मुश्किल से 10 दिन हुए, 10 दिन में 400 के समथिंग चल चुकी है। तो जब इस गाड़ी को देखा और देखने के बाद, इस गाड़ी को देखने के बाद क्या हुआ कि इसकी रेंज समझ में आई और कलर भी पसंद आया। सबसे पहले आप बधाई देते हैं, जो आपने गाड़ी ली है ना भाई साहब, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, कलर काफी मस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि फिर मैंने क्या देखा, लोग बोलते हैं सूरत और सीरत। सूरत तो बजाज की बहुत अच्छी लग रही थी, TVS की बहुत अच्छी लग रही थी और कंपनी है। फिर क्या देखा कि सूरत नहीं देखना, सीरत देखना है। उसके अंदर सीरत बहुत अच्छी है, सीरत का मतलब उसके अंदर गुण बहुत अच्छे हैं। पिकअप से सारी चीजों चला के देखी तो फाइनल कर दी उसको। जब फाइनल करी तो ओला ने क्या करा है कि वो 10-12 दिन में मिलती है, बुकिंग हो जाती है। तो जब बुकिंग कराई, वो बुकिंग करके वो जब आई है तो उसको देखा, चला के देखा तो बहुत अच्छी गाड़ी लगी। अच्छा एक चीज पूछना चाहेंगे, जब आप शोरूम पे गए थे तो वहां पे गाड़ियां देखी थी, कितनी खड़ी थी सर्विस के लिए या फिर कोई, काफी सुनने में आया कि काफी इशू रहता है, सर्विस नहीं मिल पाती है, ऐसा कुछ देखा था आपने? सर इशू की बात करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले एथर आई, एथर के बाद उसके बाद ओला आई। अब जब मार्केट में यहाँ से 2 से 2.5 साल पहले गाड़ी आई है, बाकी अभी सब 6 महीने से साल भर से गाड़ियां आई हैं, वो भी मार्केट में इतनी थी नहीं। और जो 60% मार्केट में गाड़ी होगी, 40% होगी, जो 60% होगी तो ज्यादातर उसी की तो टूट फूट निकलेगी, उसी की तो काम निकलेगा। और हमारे मानने के हिसाब से कोई टूट फूट नहीं है, कोई काम नहीं है, जो मार्केट में ज्यादा होगा उससे तो निकले ही निकले। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले ओला का फीडबैक के लिए आया तो उनसे मैंने एक चीज कहा कि गाड़ी आपकी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, पर कमी बस आपकी एक है कि अगर आप यहाँ पे सर्विस सेंटर डाल दें, क्योंकि जब गाड़ी आती है, आने के बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसमें टेक्निकल चीजें होती, खाली बैटरी और टायर का काम नहीं होता है। कभी मान लो स्विच खराब हो गया, मार्केट में मिल नहीं रहा है, आपका सर्विस सेंटर होगा तो कहीं से भी खरीद लेगा, वो जाकर के सर्विस सेंटर में जाकर खाली करेगा, बन जाएगी, तो बस ये आपकी प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी। कोई बैटरी की शिकायत करेगा, कोई कुछ करेगा, तो जाहिर सी बात है जब शिकायत करेगा तो शिकायत पूरी होगी, तो फिर आपकी कंप्लेन है बाहर तक नहीं जाएंगी। अब लोग बोलते बैटरी फट गई, तो मोबाइलों की भी तो बैटरी फटी है, और जो ज्यादा होगा उसके नुकसान तो होंगे होंगे ही। तो आसिम अगर बात करें, अब तक की कितना दिन हुआ इसको लिए हुए? 12 तारीख को लिए, 12 तारीख को लिया था। कितने में पड़ी थी लगभग ये? कौन से वेरिएंट वाली बैटरी है आपकी? बैटरी जो इनकी 4 किलोवाट की है। ये 4 किलोवाट पे आपने लिया है? तो सबसे पहले दिखा दीजिए, साहब बता रहे थे 400 किलोमीटर चला चुके, एक बार दिखा दीजिए, डिस्प्ले दिखा दीजिए। इसकी रेंज तो 400 आप चला चुके हैं 10 दिन में जी, तो यानी काफी चला रहा है। अगर डेली रनिंग की बात करें, आपकी डेली रनिंग कितनी है? असल में होता क्या है, ये हमारे जियाउर रहमान भाई इधर आइए साइड में, गाली मैंने इनको दिलाई है। अच्छा इनको दिलाई है, खास दोस्त है, मगर अच्छा। ये हमारे बगैर एक इंची भी नहीं हिलाते, इनका पूरा घर, कोई भी चीज होती है हमारे मजबूत से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको नॉलेज, आपको चीजें, जब सारी चीजें समझी तो ली है। तो लेने के बाद अब तक तो इसको 416 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और 2 बार अब तक देवा से भी जा चुके हैं। अच्छा, अभी पिछले सैटरडे गए थे तो गाड़ी चली थी कम से कम 95 किलोमीटर, 25% बैटरी बची हुई थी,
जबकि नॉर्मल चलाई थी, इको नॉर्मल, क्योंकि लोकल में क्या होता है बार बार ब्रेक लगते हैं। और कल गए थे तो 105 किलोमीटर गाड़ी चली, तो समथिंग लूलू मॉल गए, फ्लैसियो गए, वहाँ से लौटते में और गाड़ी चली थी 105 किलोमीटर, 15% बैटरी थी। तो अगर बात करें एवरेज की, तो आपके हिसाब से अभी कितना ये एवरेज निकाल रही है? एवरेज तो हमारे हिसाब से अगर लोकल में देखेंगे तो ये इको पे कम से कम 130-135 निकालेगी लोकल में चलाने में। अगर इसको अगर कहीं बाहर लेके जाएंगे तो समथिंग 150 निकालेगी। अच्छा, अब कल का रूट है हम लोगों का कानपुर का, इससे तो देखते हैं कल क्या देती है। अच्छा, कल आप चलाने वाले तो कानपुर लेके जाने वाले हैं? हाँ, कल नॉर्मल पे ही चलेगी, तो हम लोग ये देखेंगे किसका रिव्यू ज्यादातर। अभी तक हम भी रिव्यू देख रहे हैं, इसकी पूरी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसकी पूरी एक एक कुंडली निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी भी आप रिसर्च कर रहे हैं इस गाड़ी? हाँ बिल्कुल करेंगे, जब तक रहेगी जब तक करेंगे, जब तक 1000-2000 किलोमीटर बिल्कुल तरीके से नहीं। कोई पूछ दे अगर मुझसे तो हम उसको पूरी कुंडली तो बताते हैं। जैसे आप अभी बता रहे हैं, आपसे मैंने केवल एक क्वेश्चन किया, आपने इसकी पूरी रामायण बता दी। तो अगर बात करें अभी इस 10 दिन के अंदर कोई भी इस गाड़ी में दिक्कत देखने को मिली है? चाबी वाली है, लोग कहते हैं ये बिना सॉफ्टवेयर वाली है, लेकिन इसके की में भी दिक्कत आती है, कभी स्टार्ट नहीं होती या चलते चलते अंदर बंद हो जाती है, ऐसा कुछ इशू आया? लाल अभी तक तो नहीं हुआ है, अब आगे होगा तो नहीं बता सकते, जब होगा तो फिर उसका रिव्यू दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल 10 दिन हुआ है, लेकिन अगर गाड़ी की कॉम्बिनेशन बात करें, कॉम्बिनेशन आपको दिखा देते, काफी जबरदस्त दिया हुआ है। इधर आपको ब्लैक दिया हुआ है और इधर आपको ग्रीन दिया हुआ है, देखिए देखने में काफी मस्त लग रही है। एक बार तो हम आगे निकल गए थे, आप वापस आए आपको पूछने के लिए, रिव्यू के लिए, गाड़ी को देख करके मुझे रहा नहीं गया, इतनी मस्त गाड़ी लग रही थी। तो गाड़ी का कलर देख लीजिए, काफी मस्त लग रही है। तो सर ये आपकी 4 किलोवाट वेरिएंट है ना, तो ये कितने में पड़ी थी सर? 11 की। ये फाइनेंस कराया था कि आपने कैश लिया? फाइनेंस कराया। अच्छा, चलाते आप ही हैं कि भैया चलाते हैं? जैसा अच्छा ये चलाते हैं, चलाने के लिए नहीं, वो दो दिन हमने चलाई उसको, जब तक इनका हाथ जमा नहीं उसके बाद नहीं, क्योंकि मुझे, क्योंकि मैंने आई एम नेटवर्कर, मैंने पहले बोला है, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है पीछे, और सिटी में कार चलाने वाला प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कार लेके रखी हुई है मगर वहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे चलाने में फ्यूल की दिक्कत नहीं है, दिक्कत सबसे ज्यादा समय की है, समय खड़ी करने में दिक्कत। इसको चाहे यहाँ लेके चले जाओ, अगर 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो सामने वाले को ये नहीं लगता मेरा पेट्रोल ज्यादा जाएगा। यही बात सही है। अगर बात करें डेली रनिंग की, जैसे कि आपका मार्केटिंग का काम है, तो एक दिन में लगभग कितना चल जाती होगी? समथिंग हमारी अगर कितनी भी गिरी हालत लोकल में लखनऊ के अंदर ही चलाएंगे तो कम से कम 70-80 किलोमीटर। 70-80 किलोमीटर, तो ये आपकी डेली की रनिंग है, तो हिसाब से आप इसका काफी आपके यूजफुल है, क्योंकि आपको ये 120 के आसपास आराम से दे देगी। जी, आपने इस गाड़ी पे स्विच क्यों किया इलेक्ट्रिक पे? पहले आप पेट्रोल चला रहे थे, कौन चला रहे थे वो जरा दीजिए। असल में प्रॉब्लम क्या थी, हमने कहा पहले ही आपसे कहा कि गाड़ी मैंने दिलाई है जिया रहमान साहब को, और सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि जब निकलते थे तो कब 100 किलोमीटर चल जाती है, 200 का पेट्रोल चला जाता था, तो देखा कि ये भी खर्चा बचेगा तो अपनी टीम के ऊपर पैसा खर्चा कर देंगे, मार्केट में खर्चा कर देंगे, तो ये सब बहुत बड़ी चीज होती है। तो फिलहाल अभी तो पैसा बचा रही है, हम चाहते हैं कि आपकी गाड़ी ये पैसा बचाती रहे, गाड़ी सर्विस सेंटर पे ना जाए, अगर सर्विस सेंटर पे वो चली गई तो आपको दिक्कत हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, इन सब चीजों के लिए आप तैयार हैं? हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पास ऊपर से लेके नंबर होते हैं कस्टमर, जो लोगों को असल में जो वहां पे बैठे हुए होते हैं उनसे लड़के कोई फायदा नहीं होता है। आजकल पूरी ऑनलाइन पे खजाना भरा पड़ा है, आप वेबसाइट निकालिए, नंबर निकालिए, कॉल करिए, आपकी सर्विस होगी, फिर वहां जाके लोग लौटते हैं, मैंने देखा बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, आपके पास भगवान ने अल्लाह ने इतनी अच्छी नॉलेज दी है, ये जो सॉफ्टवेयर दिया है किस लिए दिया है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल लिए बैठे हैं, मोबाइल लिए बैठे हैं, इस्तेमाल 20% भी नहीं कर रहे हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम है, टेक्निकल इंसान हम भी हैं तो वो अपने हाथ से सॉल्व कर लेंगे, मगर देखिए कस्टमर के ने मेरे पास खुद रिव्यू के लिए फोन किया था, मैंने उनको बोला और सबकी समस्या के लिए बोला कि काश की ऐसा नहीं है कि हमें समस्या आएगी, सबको आ रही, तो उनकी वो समस्या बताएगी, समस्या को आप अगर सॉल्व कर लेंगे, अपना सर्विस सेंटर बना देंगे तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, आप डाउनफॉल पे नहीं जाएंगे। एक दिक्कत यही है ना कि इनकी गाड़ियां तो खुद सारी चल गई हैं लेकिन सर्विस सेंटर कम है, काफी सारी है मार्केट में लेकिन उसको सॉल्व करने वाले कम है, इस वजह से और इशू आ रहा है। पर मेरी बात ये सारी ईवी में दिक्कत है, सर्विस में सभी जगह कहीं भी जाइए कोई भी ले लीजिए, आपका सर्विस में काफी इशू आ रहा है, गाड़ी एक बार खराब हो गई तो 15-20 दिन आराम से लग जाता है, पता नहीं चलता कि इससे पहले कोई होने वाला नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, आप जैसे TVS की है, इनके सर्विस सेंटर अपने हैं और उन्होंने सर्विस डाल के रखा है, इनका तो अपना ओला का काम था, ओला जिसको बोलते हैं, आज इन्होंने नया सेटअप डाला उनकी जानकारी भी, और सुना है कि लखनऊ में इन्होंने एक सर्विस सेंटर खोल भी दिया है कहीं,
अब बड़े बड़े शहरों में पहले खोल देंगे तो वहाँ पे सिस्टम चलता रहेगा। मेरी बात भी हुई है, बोले एक मैंने खोल दिया है और वहाँ पे जा करके जो भी अपनी प्रॉब्लम है छोटे छोटे पॉइंट पे नहीं दिखाना है और जा करके आपको सर्विस सेंटर पे जाना है, वहाँ पे आपकी सारी समस्या सॉल्व होगी। तो अब बात करते हैं इसकी सबसे अच्छी चीज के बारे में और इसमें जो आपको सबसे खराब चीज लगी उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। खराब चीज तो फिलहाल अभी तक कोई लगी नहीं मुझे, सीट भी चौड़ी है, टायर भी अच्छे हैं, सस्पेंशन वगैरह अच्छे हैं, ब्रेक भी अच्छे हैं, रनिंग लाइट जो आपकी वो भी है समथिंग, बस एक चीज थी अगर जी दोनों लाइटें बराबर जलती ऊपर डिपर तो एक जलती है एक बंद होती है, वो आप जब अपर डिपर चलाएंगे तब चाहे चलेगी दोनों तब जलती है। अच्छा, तो इसमें कमी आपको कोई भी नहीं लगी? बस अलग से मैंने ये लगवाया है। आपने अलग से गार्ड का लगाया, ये लगभग कितना कॉस्ट आया था, कंपनी से लगाया कि बाहर लगाया? नहीं नहीं बाहर से लगवाया है, ये 3000 रुपए खर्चा हुए सब इसका, सेट स्टैंड का वो अंदर वाला स्टैंड और इसको लगवाया, सीट लगवाई, अंदर का भी लगवाया, सामान 4-5 आइटम लगवाए थे तो 3000 रुपए खर्चा आया हुआ था, 3000 का लगभग खर्चा आ गया था आपका। तो भाई बुराई तो इसमें आपको कोई नहीं लगी, अच्छाई के बारे में बात करें, अच्छाई कौन कौन सी लगी तो बता दीजिए। सर अभी तक तो चला रहे भाई, गाली जब ली जाती है लड़की भी लाई जाती है, अच्छाई देख के लाई जाती है, 2-4 महीने 6 महीने बाद उसकी बुराइयां समझ में आती हैं, अगर अच्छाइयां रहती है तो रहेंगी। इसी तरीके से अभी तो ये दुल्हन हमारी मुश्किल से 10 दिन की है, 10 दिन पुरानी है, अभी क्या क्या रूप बदलेगी क्या नहीं बदलेगी भाई, सामने वाले ने बताया अभी तक तो चल रही है, जब ये पुरानी होगी इसके रंग ढंग क्या होंगे तो उसका भाई रिव्यू दिया जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि अभी आपको चलाइए कम से कम 5-6 हजार किलोमीटर फिर हमसे दोबारा मिलिएगा, अपनी दुल्हन के बारे में फिर बताइएगा कि कैसी चल रही है। तो बात करें अभी इन 10 दिन के अंदर आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ा है सर? नहीं अभी नहीं जाना पड़ा है। अच्छा, कोई अभी सर्विस किसकी फर्स्ट ड्यू कब होगी? अभी वो तो देखा नहीं कब होगी, फिलहाल पहली सर्विस तो पूछा भी नहीं है, उसकी बुक देखी भी नहीं है हम लोगों ने, अभी तो RC भी हमारी नहीं आई है, फोटो कॉपी आई है, RC 15-20 दिन बाद बोले थे, शायद 1 महीने बाद बोले तो वो आएगी। और इसमें अच्छा आपको स्मार्ट ऐप वगैरह देखने को मिला है कि आपको ऐप वगैरह की केवल ये सिंपल सी इलेक्ट्रिक गाड़ी है? नहीं ये सिंपल है, इसका अच्छा। एक वर्जन जो आता है 1.5 लाख रुपए का, हाँ, वो तो अलग है, प्रो है, सब कुछ होता है, उसी ली नहीं है वो, क्योंकि चलाना ज्यादा है, उसको लॉक कर देना है, पासवर्ड भूल जाना है, कोई लेके चला, ऐसे चाबी वाला सिस्टम रखी है। तो आपने वो छोड़ करके इसी को लिया? हाँ, भैया की हमारे जावरमन भाई यही पसंद थी। अच्छा, हमारी कोई भी चीज टॉप पसंद होती है, फिलहाल भाई को चलाना है, सबसे ज्यादा भाई के साथ रहना है, सामने वाले को कैसी सूटेबल लग रही है, पैर भी काफी हमारे पैरों में इनके पैरों में लंबाई फर्क है, आपकी हाइट कम है आपकी हाइट ज्यादा है। तो अब बात कर लेते जो भी हमारे भाई इस गाड़ी में सोच रहे उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं नहीं ले सकते हैं, और पहली बात तो खुद सर्च करके लेना चाहिए, हमने गाड़ी एक सर्च नहीं करी है, गए के ओला के अंदर चले गए, पहले कई कंपनियों सर्च कर लिए, देख लिए, चला के देख लिए, वजन देख लिया, सारी चीजें देख ली, और सबसे बड़ी बात है एक गाड़ी की क्वालिटी हम बताते हैं आपको, ये सबसे बड़ी बात है, बाकी कोई भी गाड़ी आप खरीदिएगा सबकी बैटरी पीछे होती है, जब सबकी बैटरी पीछे होती है तो गाड़ी आगे से बबलिंग करती है स्पीड में, और इसके बाद इसकी बैटरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये बैटरी है इसकी, जब यहाँ से लेके बैटरी है तो इसका बैटरी का वजन है, जब गाड़ी रोड पे चलाते हैं हाईवे 70-80 भी चलती है तो इतनी सी बबलिंग नहीं करती है, मतलब लहर नहीं खाती है आपको बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम दबी हो, जैसे हम कार चलाते हैं 70-80 में पता नहीं चलता है कार चल रही है चल रही है, बस हवा का महसूस होता है, अगर इसमें कोई हवा वाला सिस्टम हो जाए पता नहीं चलेगा कितनी स्पीड चल रही है, 1% बाइक। आप क्या करना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया गाड़ी है चलाने में, कहीं से भी लहर वहर कुछ नहीं आती है, कोई वाइब्रेट नहीं होता है, जबरदस्त एक नंबर। अच्छा, आपको भी मजा चलाने में? बहुत बढ़िया। तो थैंक यू भाई, आपका रिव्यू लेकर के काफ़ी अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं जो लेने सोच रहे होंगे उनको काफ़ी कुछ मिल गया होगा जो उनको चाहिए। तो अभी फिलहाल 10 दिन हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते, इसको चलाइए आप 2-3 महीने चलाइए, मुझे लगता है 2-3 महीने में आप इसको काफ़ी चला लेंगे क्योंकि आपको रनिंग ज़्यादा है, तो फिर एक बार दोबारा मेरे पास जरूर आइएगा, दोबारा से रिव्यू लिया जाएगा कि इसका क्या फीडबैक है। समथिंग अगर हमने 50 किलोमीटर की भी रेशियो रखा, क्योंकि कभी 100 चलेगी तो कभी 50 चलेगी, कभी 80 चलेगी, कभी नहीं चलेगी, तो 50 किलोमीटर रोज रेस्यू रखेंगे तो 1 महीने का 1500 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, क्योंकि ये गाड़ी का एक लेने का और रीजन, ये लास्ट में लोगों को हम बता दे रहे हैं कि लोग बोलते बैटरी वाली गाड़ी क्यों लें, ये लास्ट में जाते जाते एक चीज बहुत अच्छी हम बता दे रहे हैं, वो क्या है, मैंने कैलकुलेशन लगाया, एक गाड़ी अगर लेके आते हैं एक्टिवा या पेट्रोल वाली गाड़ी देगी 50 का एवरेज देगी, 4 साल की अगर EMI कराते हैं तो 4 साल की EMI में खाली गाड़ी तो जो पड़ेगी 1,74,000 रुपए खर्चा आता है खाली पेट्रोल का, 50 के एवरेज से पकड़ोगे, 1500 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 1500 का एवरेज रखोगे 100 रुपए के हिसाब से, तो 1,74,000 रुपए खर्चा आएगा आपको खाली गाड़ी जो रखे 4 साल तक, वो गाड़ी जो पड़ी होगी कीमत घट रही है, 1,74,000 रुपए जाते हैं पेट्रोल पे,
मैंने देखा कि आप खाली इनको समझाएंगे गाड़ी अपनी वाली खड़ी कर दो, उसको पेट्रोल इसको ले लो, खाली पेट्रोल के पैसे, यानी कि पेट्रोल के पैसे से आप ईएमआई ले लोगे, ईएमआई निकाल लेंगे आप। मैंने इनसे क्या कहा कि 2 रुपए पर किलोमीटर जितनी गाड़ी चला के और 2 रुपए पर किलोमीटर आप अपनी सेविंग कर दो इसको। तो पता चला अगर 50 किलोमीटर के रेंज पकड़ी रोज की तो महीने का जाकर 6,000 ईएमआई आने 3500, तो 2500 फिर भी बच गया। आगे कल बैटरी भी खराब होती है, कुछ होती है तो भी काम हो जाएगा। पेट्रोल के पैसे से खाली ईएमआई गाड़ी फ्री हो रही है जो। यानी आपने काफी सारा रिसर्च कर रखी है इस गाड़ी को लेने पे। नहीं, ईवी का सबका यही हाल है। अच्छा। आप खाली पेट्रोल का बचा लेंगे, 10-20 हजार किलोमीटर चलाएंगे उसके बाद आप जोड़ लेंगे तो आपका खाली पेट्रोल का पैसा बचा लेंगे आप। तो भाई अगर बात करें इसकी स्पेस की, तो आपको स्पेस कितना यूज कर रहे हैं, काफी यूज मिलता है तो? सर स्पेस तो वाकई बहुत बढ़िया स्पेस है। तो आपका यूज आ रहा है स्पेस? देखिए स्पेस तो इतना भी है, अभी देखिएगा आप, ये तो हेलमेट रखा हुआ है, सामान भी रखा हुआ है, ये देखिए हमारा जिसका हमारा काम है ई वाइटोरियम, जिसको हम लेके चलते हैं, एक एक किट लेके चलते हैं, ये किट भी हमारी पूरी आ जाती है, ये देखिए। अच्छा सर, ये किस चीज का वैसे? ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स, ये हमारा ब्लड का सर्कुलेशन का जो खेल होता है, ये भी इसका भी हम आप लोगों को बता दें कि एक वक्त में मोबाइल सस्ता खरीद लो, एक वक्त में खाना एकदम कम खा लो, पर इसको जरूर यूज करो, क्योंकि इसको यूज करने से घर की जो दवाइयां चल रही हैं, बीमार है लोग, वो बीमारी खत्म होगी, बस कुछ नहीं है। ये आप देख लो हमारे हाथ में ब्रेसलेट, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे दिन भर भी आप दौड़ाते रहोगे मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं आती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन होगा गया है कि आज के दौर में 5 एलिमेंट जिसको बोलते थे, हवा पानी सूरज खाना वगैरह और शुद्ध पानी, चलिए ये तो जैसा जैसा मिल रहा है वो अलग बात है, बस सबसे चीज जो खत्म हो गई, जीरो जीरो चीज जो मिल रही है वो मिल रही है आपको नीचे की जो पृथ्वी की टचिंग है, क्योंकि हर घर में टाइल्स मार्बल हो गए हैं, हर घर में पत्थर हो गए हैं, आप यहाँ देखिए सब पत्थर लगा हुआ, लखनऊ में इमाम बाड़े में खड़े हुए हैं यहाँ पत्थर, लोगों ने स्लीपर पहनना चालू कर दिया, नंगे पर चलना बंद कर दिया है। जब नंगे पर चलना बंद कर दिया तो जो जमीन के तलुए जो जाते थे कच्ची मट्टी में आज से 30-35 साल पहले, वो सबसे बड़ी कीमती चीज थी, वो हमें आज तक मिलना बंद हो गई है। और यहाँ पे अब तक जो रेडिएशन है मोबाइल का, वो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, हमारे रेड सेल्स को वीक कर रहा है, ये हमारे रेड सेल्स को एक्टिव करता है। इसको इस्तेमाल करने से ऐसी ऐसी बीमारी खत्म हुई है लोगों की कि जिससे बता नहीं सकते। ये हमारा हेल्थ और वेल्थ, हमने यहाँ पे मुहिम चलाई है हेल्थ और वेल्थ, क्योंकि दोनों चीजों की जरूरत है। लोग बोलते हैं बीमारी बढ़ी है कि बेरोजगारी, क्या सर बढ़ी है? सर बीमारी ज्यादा बढ़ी है। नहीं, बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी, अब अमीर आदमी होता उसको शुगर पता नहीं चलता पैसे के चक्कर में, आप खाली बेरोजगारी सही कर लीजिए, बीमारी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे सागर जोशी, हमारे कंपनी जो MD साहब है सागर जोशी, ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि आज 27 लाख लोगों को इन्होंने इस प्रोडक्ट से, खाली कहा इस प्रोडक्ट को खरीद लो आप, इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आप अपनी बेरोजगारी भी दूर कर लोगे। अच्छा। ये क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की, और 27 लाख लोग आज इनके कस्टमर बने हुए हैं, जिसमें कि कम से कम 2-3 लाख लोग तो इसमें काम कर रहे हैं। तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दीजिए, जो भी भाई को पसंद आया हो लेना चाहे तो आपसे संपर्क भी कर सकता है। आपने अपना एडवर्टाइज तो कर दिया इसको, तो अपना नंबर भी बता दीजिए लगे आप। जी जी, मेरा 9336191707। तो भाई अगर किसी को चाहिए तो भाई से संपर्क कर सकता है, तो भाई ने जो भी इसके फायदे थे वो बता दिए, तो हम भी इसके बारे में 9336191707। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इन भाई का रिव्यू अच्छा लगा हो, मैं इनसे दोबारा फिर से फीडबैक लूंगा। तो थैंक यू भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपका फीडबैक भी लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। तो दोबारा फिर से मिलेंगे जब आप चला लिए 2-3 महीने, फिर दोबारा मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और यदि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं जल्द से जल्द इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊंगा। तो चलिए तो वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।